मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही सिटी बस को लेकर आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि जनपद में सिटी बस बहुत अच्छी तरह से लोगों को सेवा दे रहा है, लेकिन कुछ रूटों पर दो महीनों में बसों की आय में कमी आई है। इससे पहले सभी बसों की आय ठीक हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस पर अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें, कहीं ना कहीं पैसों की चोरी की जा रही है, इसलिए सभी बसों के ड्राइवर व कंडक्टर को नोटिस दिया जाए कि कहीं पैसों की चोरी में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर अधिकारी बसों की जांच करें कि कौन सा व्यक्ति बिना टिकट के किसके मिलीभगत से यात्रा कर रहा है, इस तरह से चोरी को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिटी बस शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, RTO अनीता सिंह, SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो चूंकि वहाँ पे सर हम बसें लगाए हैं, या तो वही चलाई जाए या इसका सर हम नगर भ्रमण में चलाया जाए, एक ही तय हो जाए सर। नहीं है, अभी देखिए जो मैं समझ रहा हूँ, एक तो आपके ड्राइवर कंडक्टर की तैनाती का सिस्टम क्या है, क्योंकि उसी से ही चोरी हो रही है सर। वो PMI बता रहा हूँ सर, एक PMI है जिन्होंने बसें सप्लाई, जो कमेटी बसें सप्लाई की है, मतलब इस बसों के लिए जो शासन की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, इस पर 11,500 रुपया सर पर डे पर बस का पेमेंट है मुख्यालय से, मतलब डायरेक्टरेट से ये है। उसी में इनका जो है बिजली और मेंटेनेंस और ये जो है ड्राइवर का खर्चा, ये सब वो बियर करते हैं। मतलब कितना फिर से बताओ जरा? 11,500 पर डे पर बस, मतलब ये खर्च होता है। इसके अलावा सर हमारा कंडक्टर का खर्चा, ईटीएम मशीनों का खर्चा वो अलग है, और ड्राइवर का भी, ड्राइवर का इसी में इंक्लूडेड है AMC में। अच्छा, 11,500। इसका भी सर एक महीने में कितना इनकम हो रही है? इनकम हो रही करीब 45,000। पैतालीस लाख मतलब सारी बसों की? जी, तो करा हो जाए 45 लाख जो है, 1.5 लाख रुपए पर डे का है, 1.5 लाख रुपए पर डे का है, ठीक है, 45,450,000 अब जो है यार 45 लाख दिया जाएगा, क्या पूछ लेना, कम समझे, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन एक है, 25 बसें एक साथ उधर से निकलती है 1-2 घंटे के अंदर, और जब 120 किलोमीटर चलने के बाद लगभग ये स्थिति है। स्टिल हम लोग हाईएस्ट इनकम दे रहे हैं स्टेट में, लॉस है नो डाउट, लेकिन हाईएस्ट इनकम स्टेट की है हमारी। इसको और बेहतर हो सकता है यदि चार्जिंग सिस्टम हमारे 3-4 लगे हो जाएंगे सर। हमको जैसे 10 बसें किसी रूट में चला रहे तो 5 एक तरफ से चलाएं, तब तो ये होगा। सिटी ट्रांसपोर्ट का सितंबर में जो इनकम हुआ है अक्टूबर में घट के गया है, ठीक है, कैसे ठीक है ना, कोई तो कारण हुआ है, सुपरविजन की कमी है, वहाँ हम लोग सुपरविजन नहीं कर पा रहे सर। नहीं, आप एक चीज कर लीजिए, मेरा सुझाव ये है, इक्का दुक्का को लिखित में अभी इसी मीटिंग के आधार पर आपके ऊपर मत दीजिए, हमारे ऊपर डाल करके आप पहले तो नोटिस जारी, ठीक है, उन सभी हमने सर अभी जैसे चेकिंग कराया था आपके द्वारा सर, आप हमारे ARM पर्सनल रख दिए हैं, ठीक है, इसका ही हमने फिलहाल दे रखा कि आप देखो उसमें, तो ये हम चेक कराए 8 कंडक्टर को हम लोगों ने WT में रोका हुआ है, और उन लोग उनको पेनलाइज का सिस्टम सर वो किया है पिछली बोर्ड की बैठक में, उसमें ये भी है जिसको पेनलाइज किया जाए। अब पेनलाइज का उसमें वो नहीं तय किया हम लोग, हालांकि अपने रोडवेज में 1,000 रुपीज पर WT का हम लोग ने एक बना रखा था, कहीं रिटर्न नहीं था। ये कहाँ से लिया गया है इन कंडक्टर मैन पावर? ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, तो प्राइवेट ये हो गया, प्राइवेट ये लखनऊ से सर, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कितने को अभी तक आपने यहाँ से निकाल दिया? 8 को निकालना भी रूट ऑफ नहीं, रूट ऑफ नहीं चाहिए।
ठीक है, तो ये तो कौन हुआ है, ठीक है, ऐसा होगा। देखिए जो जिम्मेदारी नहीं है तो, और मुझे ये तो चाहिए कि ठीक है 1% 2% 5% कम होगा ज़्यादा होगा वो तो ठीक है,